साइड कोच तर इधर सर आइए कम जाने दो रोहित Happy birthday to you. Happy birthday, dear Romeo. Happy birthday to you. Thank you. Happy birthday, Romeo. Happy birthday, Romeo. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. रोल किया चालू हो जाते हैं रुक जा Yes, ma'am. Look here. Look here. Whoa. Happy. आज तो भाई का बर्थडे. आ भाई का बर्थडे. चलिए. Yes. Yeah. Look here, ma'am. Look here. Look here. यहाँ पे देखिए वो लोग. चलो ओके थैंक यू सो मच विश सब लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे को आज बर्थडे विशेज सुबह से आ रहे भर भर के सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट एंड आज उससे बड़ा चीज़ है मेरे लिए कि मेरा गाना रिलीज़ हो रहा है रेशम जो कि इतना बड़ा गाना है मेरे लिए हमारी सीरीज़ का सेकंड गाना है चैप्टर 2 रेशम एंड अभी आगे सीरीज़ आने वाली है चैप्टर्स आने वाले हैं चैप्टर 3 चैप्टर 4
तो उसके लिए भी एक्साइटमेंट है. तो आई फील बर्थडे से ज़्यादा ना आज नर्वसनेस से म्यूजिक वीडियो को लेकर. आई फील लाइक पिछले साल से हम लोग प्लानिंग में थे गाने को, पूरी सीरीज़ बनाने के लिए हम लोग पिछले साल से तैयारी कर रहे हैं. एंड बैक टू बैक हमने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट 10th को ही गाना आएगा चैप्टर 3, एंड उसके बाद अगले महीने आएगा 10th को ही चैप्टर 4. तो आई फील लाइक हम लोग पैक्ड, एडिटिंग चल रहा है, सब मिक्सिंग चल रही है गानों की, गाने कंपोज हो रहे हैं, तो फुल स्ट्रेस बना हुआ है अभी. तो शूट से भी एक ही ज़्यादा आती है, वहाँ की ठंड. हम लोग कजाकिस्तान में शूट कर रहे थे, जो सेकंड गाना है हमारा, सेकंड एंड थर्ड. हमने फोर्थ गाना शूट किया है उज़्बेकिस्तान में, तो वहाँ पे इतनी ठंड थी, -18 से -20 में हम लोग शूट कर रहे थे, और उतनी गर्मी जितनी मुंबई में अभी है उससे ट्रिपल गुना ज़्यादा ठंडी थी वहाँ पर. तो शूट करते हुए आप देखोगे वीडियो में डायलॉग में धुआं निकल रहा है बाहर बात करते हुए, तो वो एक्सपीरियंस था कि इतनी ठंडी में आई डोंट थिंक किसी ने शूट किया होगा अब तक. वहाँ पे शॉर्ट से पहले इसे आज एक जैकेट पहनकर हूँ मैं, वहाँ पे चार लेयर होती थी. जैसे सर ने बोल दिया कि एक्शन, जैकेट निकाले गए, परफॉर्म किए, बैक हम लोग भागते थे वापस जैकेट पहनाओ, ग्लव्स पहनाओ, तो वहाँ पे वो होता था. सर सॉन्ग के बारे में बताना चाहेंगे, किस बारे में क्या बताना चाहेंगे? रेशम, मैंने ऑडियो वाइज में पहले बात करूँगा कि मैंने गाना आज से 2 साल पहले लिखा, एंड ये मेरे गाना रखा हुआ था ऐसे ही, एंड मैं सोचता था ये गाने में समडे कुछ अच्छा स्टोरी आएगी तो मिक्स करके एक वीडियो बनाएंगे. जब मेरे को अप्रोच किया गया था तू चांद दे पूरा सीरीज़ बनाने के लिए, एंड जो आइडिया था कि अभी तक इंडिया में आई डोंट थिंक किसी ने भी किया है कि चार म्यूज़िक वीडियो बैक टू बैक प्लान किए, शूट कर कर, इट्स लाइक अ मूवी बट यूट्यूब पर है, फ्री में है, एंड ऑडियंस को एंगेज करके रखा है. तो वो आइडिया जो था मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, तो दैट्स हाउ आई सेड कि मेरे पास ये सब गाने हैं. देन विद द होल टीम, डायरेक्टर फराज सर के साथ, इन सब के साथ बैठ के मैंने भी डिसाइडेड के ओके ये गाना जाएगा इसमें, ये गाना जाएगा इसमें, स्टोरी के हिसाब से गाने बनाए, उसको मिक्सिंग किया, प्रोग्रामिंग किया आदित्य देव सर ने, तो वो चीज़ है. आई थॉट कि सी हर आर्टिस्ट अपना बेस्ट देना चाहता है, तो मेरे को लगा कि अभी सब लोग ना अपना एक ही जॉनर में अटके हुए हैं. अगर कोई रैप करे तो रैप में अटका हुआ है, कोई सैड गाने वो सैड में अटका हुआ है, तो आई सेड मेरे को वो उसमें बनना नहीं है. आई सेड एवरी टाइम ऑडियंस को बिना बताए शॉक देंगे, कुछ नया देंगे. ऑडियंस को रोमांटिक चाहिए, सैड चाहिए, पार्टी सॉन्ग चाहिए, तीनों देंगे. बेसिकली तरीका है बताने का कि रोमियो इज जस्ट नॉट अ सिंगर और एन एक्टर, ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स एंड वॉट एवर ऑडियंस वॉन्ट्स उससे. वैलेंटाइंस डे के दिन मैं कुछ नहीं, मैं स्टूडियो में बैठूंगा और एक गाना बनाएंगे वैलेंटाइंस डे पर. पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कुछ खास नहीं चलता है, अपनी एक ही लव स्टोरी थी जो फितूर में मैंने बताई थी, वो एक ही लव स्टोरी है, वो एक ही लड़की से प्यार था, वो प्यार रहेगा, तो उसके लिए गाने बन रहे हैं. अब उसको पता हो या ना हो क्या पता, बट उसके लिए बन रहे हैं. वैलेंटाइंस डे का तो अकेले बैठेंगे, सोचेंगे उसके बारे में और एक गाना लिख देंगे. मैं अपने एक लाइन गाना चाहूँगा ये गानों में से, रेशम जो आज रिलीज़ हुआ है. तुम इतना बता दो हो अगर ख्वाब है तो मुझको जगा दो, तुम से दिल जुड़ गया है ऐसे जैसे रेशम के धागे जुड़ते हैं, जैसे मैं अभी पागल तेरा तेरे पीछे चला, तेरे पीछे पीछे चला, तू मुड़ के देख जरा मुझको एक दफा, मैं तेरे इश्क में फिसल गया. रोमियो कुछ स्पेशल मोमेंट्स याद है या कुछ मेमोरीज है? स्पेशल मोमेंट्स में हम लोग आई टेल यू, हम लोग जब ट्रैवल कर रहे थे तो इट वॉज पीक विंटर्स कजाक एंड उज़्बेकिस्तान में, एंड हमारी फ्लाइट थी कजाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान को. हम लोग एयरपोर्ट पे 8 घंटे बैठे हुए थे, उसके बाद हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, एंड हमको लगा कि यार पार्ट 3 शूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. फिर भी हमने वापस 2 दिन बाद, स्नो स्टॉर्म हो रहा था एयरपोर्ट पे,
सेफ्टी का बंदोबस्त नहीं था, वी लाइक हमको करना ही है पार्ट थ्री एनी हाउ, अभी आ गए पार्ट टू पार्ट थ्री करने, पार्ट फोर भी करके ही नहीं आएंगे यहाँ से। तो आई फील लाइक वो एक्सपीरियंस एयरपोर्ट पे 8 घंटे 9 घंटे बैठकर स्नो स्टॉर्म बाहर चल रहा है, थिंकिंग के फोर्थ गाना बनेगा नहीं बनेगा, आई फील दैट वाज अ बिग मेमोरी मेरे लिए। ये सॉन्ग में आई फील लाइक आज मैंने लाइव किया था प्रीमियर सॉन्ग का, तो ऑडियंस मेरे साथ गाना देख रही थी फर्स्ट टाइम, एंड एक प्लॉट ट्विस्ट है, मैं गाने में बताना नहीं चाहूँगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा, बट एक प्लॉट ट्विस्ट है, एंड जो रिएक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं और फराज सर हमारे डायरेक्टर, वो एग्जैक्ट रिएक्शन मिला कि ओफ ये क्या हो गया, तो इट कीप्स द ऑडियंस एंगेजिंग। एंड आई आज रिलीज के ये समझ में आया कि ओके पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर के लिए भी ऑडियंस रेडी है एंड उनको उतना इंटरेस्ट देखना है। आई सेड अभी बाकी कोई नहीं कर रहा है, किसी को तो करना पड़ेगा, आई सेड किसी को तो इंडियन म्यूजिक को आगे लेके जाना पड़ेगा, तो आई सेड के लेट अस डू इट, मैन वी हैव द इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, एंड एज अ सोलो आर्टिस्ट हु राइट्स अपने खुद के गाने, जैसे मैं अपने खुद के गाने लिखता भी हूँ, गाता भी हूँ, कंपोज भी खुद ही करता हूँ, तो मेरा एक एजेंडा था कि मैं ही सब करूँ इसमें, एक्टिंग भी खुद ही की है, तो ये एजेंडा था कि ओके कॉम्पैक्ट टीम बट सब का पैशन है एक प्रोजेक्ट लेकर, तो हमने सोचा कि हमको ही करना चाहिए म्यूजिकल सीरीज़। आज तक म्यूजिकल मूवीज़ बनी है हॉलीवुड में, बॉलीवुड में भी बनी है, पर किसी ने म्यूजिक वीडियो किस तरह से नहीं किया है। आज आई फील कि इतना मेहनत करने के बाद आज एक ब्रेक होगा, अंदर पार्टी करेंगे, नाचेंगे गाएंगे दोस्तों के साथ, सेलिब्रेट करेंगे आज का सक्सेस, ऑलरेडी गाने में बहुत सारे व्यूज़ हैं, अभी तक सब ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गाने को, एंड बहुत सारे कोलैब्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, तो आज सिर्फ काम नहीं होगा, आज रिलैक्सेशन होगा, आज वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, ये साल हो जाएगा, कुछ प्लानिंग है, ईयर एंड तक अनाउंसमेंट तो आ ही जाएगी। सर किसी तरीके से बॉलीवुड से जुड़ने का प्लान चल रहा है या डायरेक्टर्स वगैरह किसी तरीके से कांटेक्ट करते हैं आपको? या अब मैंने सिर्फ आज ही बताया कि आज जब से हमारा प्रमोशन स्टार्ट हुआ है, जब से बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्या ऑफर, बट बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, प्लानिंग चल रही है, अभी नेक्स्ट वीक से बैक टू बैक मीटिंग्स होंगे, उसके बाद आई कैन मे बी डिस्क्लोज सम नेम्स। ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे या मैसेज देना चाहेंगे? मेरी ऑडियंस के लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपने फितूर दीवाना आजा सोनिया दर्द को इतना प्यार दिया है, आई होप आप ये सीरीज़ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखें, इंटरनेशनल लेवल पर देखें, क्योंकि हमने इसको वैसे शॉर्ट किए, गाने म्यूज़िक भी वैसा बना इंटरनेशनल लेवल का, तो आई होप ऑडियंस इज़ रेडी फॉर दिस, एंड आई होप ऑडियंस इतना ही प्यार जितना बॉलीवुड के गानों को देती है एज एन इंडिपेंडेंट म्यूजिक। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सर। Hi friends, I'm the director, my name is Faraz. So, तो आपने टीज़र भी देखा होगा और गाना भी रिलीज़ हो गया है तो वो भी देखा होगा, और आज से अच्छा दिन हो नहीं सकता था, रोमियो का बर्थडे है, और लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि जिस कंडीशंस में हमने शूट किया ये गाना, -20 degrees में हमने ये गाना शूट किया है, और हैट्स ऑफ टू रोमियो जो उस इतनी ठंड में जो भी मैंने कहा जिस तरीके का भी शॉट मैंने चाहा वो उसने पूरी डेडिकेशन के साथ दिया है, तो आई एम रियली हैप्पी, और वही है कि आउटपुट उसी पे डिपेंड करता है कि जिस तरीके से मेहनत इन लोगों ने की है वो दिखी भी है, तो आई एम वेरी हैप्पी और कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। बट मैं और एक इस पर सर ने जो बात भी उस पर ऐड करना चाहूँगा, हम एक्टर्स तो फिर भी हमको चांस मिलता है वैनिटी में जाके बैठने का, कार में हीटर ऑन कर बैठने का, बट द होल क्रू फराज सर एंड द DOP जानी सर सब सुबह से लेकर रात तक एक ही जगह बैठे रहते हैं विद जस्ट वन जैकेट वन ग्लव्स दैट्स इट। नहीं एक्चुअली द टफेस्ट शूट ऑफ माय लाइफ, इससे ज़्यादा टफ मैंने आज तक कभी शूट नहीं किया, क्योंकि दूसरा कंट्री और वहाँ के वेदर का कोई आइडिया नहीं था, इंटरनेट पे वो सब जो दिखाता है उससे ज़्यादा वहाँ पर ठंडी थी, तो आइडिया भी नहीं लगा सकते कि कितनी ठंड में हमने शूट किया, लेकिन सब कुछ अच्छा होता है जब आउटपुट अच्छा हो जाता, तो बहुत खुशी है कि आज गाना रिलीज़ हुआ है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा
लिखा है इमरान रोमियो ने वो गाना, और बहुत ही अच्छा कंपोज किया है। तो आप देखिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो देखें, और जिन्होंने देखा है उनके प्यार की बहुत ज़रूरत है। सर, रोमियो के साथ जुड़ने का किस तरीके से जुड़े हैं या किस तरीके से सारी चीज़ों को लेकर आप लोगों ने प्लान किया? देखिए, रोमियो से जुड़ने का जहाँ तक सवाल है, तो रोमियो का जो पहला गाना था फितूर, वो भी मैंने ही बनाया था, और हम तभी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं जब इमरान ने शुरुआत की, और मुझे ये ज़िम्मेदारी मिली कि रोमियो का जो लॉन्च है, जो सॉन्ग है फितूर, वो मुझे डायरेक्ट करना है। तो बहुत मेहनत की थी हमने उसमें, और जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हमें, तो बस वहीं से उस जर्नी की शुरुआत हुई, और हमने फितूर बनाया, दीवाना बनाया, और अब ये एक म्यूज़िकल सीरीज़ जो एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें 4 चैप्टर्स हैं हमारे इस सीरीज़ के, तू चांद है, जिसका ये 2nd चैप्टर रेशम अभी रिलीज़ हुआ है, एंड आई एम श्योर कि अगले जो चैप्टर्स हैं 2nd, 3rd, and 4th, वो भी आपको बहुत पसंद आएंगे। और बहुत अच्छा एक कोलैबोरेशन हमारा हुआ है, और बहुत मेहनत के साथ हमने ये गाने बनाए हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएंगे। थैंक यू। हे, कम, हमारी हीरोइन आ गई है। हाय, कैसा एक्सपीरियंस रहा रोमियो जी के साथ में? बहुत अच्छा था, इट वाज लाइक अ ड्रीम। लोकेशंस भी इतने खूबसूरत थे, और फराज सर का डायरेक्शन भी इतना स्मूथ था कि यू डोंट फील लाइक यू आर इन अ फिल्म और इवन शूटिंग, बट बहुत स्मूथ था। आई रियली एंजॉयड इट। रोमियो के साथ किस तरीके से रोमांस करने, क्योंकि सर ने बताया काफ़ी ठंड भी थी और डिफिकल्ट था, लेकिन वी मैनेज। या सॉन्ग को लेकर क्या कहना? सॉन्ग को लेकर बहुत स्पेशल है ये स्टोरी, भी पहले टाइम सीक्वल्स में बनाया है, तो आई थिंक यू ऑल शुड वेट फॉर द 2nd one, क्योंकि 2nd one इज़ गोना बी इवन बेटर देन दिस वन। सर, और उन्होंने तो, रोमियो ने तो काफ़ी साथ में काम किया है, तो आपका दोनों के साथ में किस तरीके का एक्सपीरियंस था? Yes. That's important. So, पहले मैं बहुत नर्वस थी कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, बट द मिनट हम शूटिंग कर रहे थे, और जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो इट वॉज़ लाइक वी न्यू ईच अदर फ्रॉम बिफोर, कि हम पहले से ही दोस्त थे, और वहाँ से ही इतना स्मूथ गया था कि इट वॉज़ रियली गुड। सर, आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस लगा उनके साथ में? देखो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो नर्वस थी, ऐसा कुछ नहीं था। शी केम ऑन द सेट एंड शी परफॉर्म, तो हमको तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि दैट शी वाज नर्वस, बट आई फील लाइक, ऐसे मैंने बोला, ठंड इतनी थी ना कि हम लोग को सोचने का चांस ही नहीं मिला। डायरेक्टर सर ने कभी डांट पड़ी थी किसी चीज को लेकर? नहीं, बट यू नो, एक बात बताना चाहूंगा कि देयर इज अ सीन इन द सॉन्ग जो मैं बहुत पर्टिकुलर था, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो ज़ायरा को देना था। आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट रोमियो, क्योंकि मैं पहले भी काम कर चुका था रोमियो के साथ, तो वो अपना जॉब बहुत परफेक्टली कर रहे थे, लेकिन ज़ायरा को लेके, क्योंकि पहली बार काम कर रहा था, तो एक आप देखेंगे उस गाने में टुवर्ड्स द क्लाइमेक्स एक रिएक्शन है जो ज़ायरा का है, तो मैं बहुत पर्टिकुलर था और बहुत सोच रहा था, पता नहीं वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी, लेकिन आपको वो देखना चाहिए, और फर्स्ट टेक में ही ज़ायरा ने वो परफॉर्म किया, और मैंने उसके बाद टेक ही नहीं लिया, वो ओके ही कर दिया, क्योंकि वो पहला रिएक्शन जो था वो बेस्ट था। तो शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, और बहुत सपोर्टिव एंड डेडिकेशन के साथ काम करती है, क्योंकि पहली बार काम किया है मेरे साथ, इसलिए मैं ज़्यादा तारीफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि है तो डेडिकेशन रोमियो के अंदर भी, लेकिन वो अब हमारी एक टीम बन गई है, तो हमें पता है एक दूसरे का, बट ज़ायरा क्योंकि पहली बार कर रही है, तो इसलिए वो बताना ज़रूरी है। थैंक यू सर। आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को, किस तरीके का सॉन्ग है? सो मैं इस स्टोरी में एक बहुत इम्पोर्टेंट पीस हूँ, बिकॉज ये दो वर्ल्ड्स है, सो यू सी कि how he is trying to come and prove his love, aur wo itna koshish karta hai, he leaves his whatever, I'm not gonna spoil it, but it was just very magical, and the whole I felt myself like I was the heroine, and we didn't want to leave that place,
because it felt like we're leaving ourselves from there. So, one word में अगर public को बताना हो आपके song के बारे में तो आप तीनों क्या कहेंगे? ये रेशम की तरह soft song है, मैं यही कहना चाहूँगा. बहुत ही खूबसूरत melody जो रोमियो ने बनाई है, तो उस softness के लिए आप ये song देख सुने और जो खूबसूरती है उस गाने की उसके लिए देखें, जो हमने बहुत कोशिश की है, बहुत टफ कंडीशंस में हमने बनाने की कोशिश की है. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा. सर आप क्या कहेंगे? नर्व रैकिंग कि हर वीडियो के बाद यू वांट टू नो व्हाट्स नेक्स्ट. सर वाज वेरी ग्रेट. मैं बोलूंगा ये पूरा वीडियो इज वेरी फिल्मी. या जैसे आप टीजर देखा हो तो आपको लगा नहीं हो कि म्यूजिक वीडियो है. सबने यही बोला कि मूवी कब आ रही है. So I feel like this is just a tease movie के लिए भी. But जहाँ तक बात है रेशम एंड दो चांद चैप्टर्स की, आई फील लाइक बहुत फिल्मी है एंड हॉलीवुड लेवल फिल्म. इट्स ए कम्प्लीट स्टोरी. जैसे कि फिल्म में एक कम्प्लीट स्टोरी होती है, वही हमने इस सीरीज़ में कवर करने की कोशिश की है. वही मैंने आपको बताया कि इट्स ए न्यू कॉन्सेप्ट. इस पूरी सीरीज़ में एक कहानी है जो हम चार चैप्टर्स के थ्रू दिखा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. केक आई थिंक यस वी हैव केक. इसे हटाना पड़ेगा. कोई नहीं इधर रखो माइक बता देंगे. हां बाहर रहने दे.